सबको सम्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। सब है तेरी गोद पाले, सब है तेरी गोद पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। बटवारे झूठ कहाँ ये तेरे द्वारे, झूठ कहाँ ये तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से चरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया,
लाइट होगी रिवाइज अपडेट वाली साथ साथ जो टाइम टू टाइम मिलने वाली अपडेट वाणी होती थी उनकी भी व्याख्यात्मक वाणी चलती थी। अभी एडवांस में मम्मा बाबा के समय की पुरानी मुर्गियां मिल गई तो धीरे धीरे एक एक करके जो जो मुर्गियां इस तरह से परीक्षित होती जाएंगी उनका क्लैरिफिकेशन डायरेक्ट मिलता जाएगा। आज है मेरे साथ अड़सठ की साकार मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कहते कौन है कहने वाली आत्मा कौन है तो बाप कहते हैं ओम शांति। इनका अर्थ तो बच्चों को समझाए बाप भी बोलते हैं ओम शांति और बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांति। इसका मतलब जब हम या कोई भी अशांति में होते हैं तो स्वधर्म में होते हैं या परधर्म में टिके होते हैं माना माया रावण की धारणा में जब टिक जाते हैं तो आत्मा अपन को शांत स्वरूप अनुभव नहीं करती। तुम अभी जान गए हो कि हम शांति धाम में थे शांति धाम से यहाँ आते हैं पहले सुख धाम तो ग्रेड ऊंचा चढ़ा नीचा चढ़ा शांति धाम से सुख धाम में आए तो नीचे उतरे या ऊंचे गए नीचे आए सुख दादा ऊंची चीज है या शांति ज्यादा ऊंची चीज क्योंकि बाप का वर्षा है सुख और शांति का शांति और सुख नहीं कहा जाता क्या कहा जाता है सुख शांति का वर्षा तो ऊंची सी ऊंची स्टेज में बाप आकर के हमको सुख की स्टेज में भेजते सुखधाम में फिर 84 जन्म लेते लेते दुखधाम में आ जाते हैं। क्यों शांति धाम से सुखधाम में आए तो उतरना क्यों होता है टेम्परेरी आधार लेता हूँ अगर आधार नहीं लूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे
बच्चों को घड़ी घड़ी ऐसे कहेंगे कि मन मना बब क्या बब मत मना भव मत माना मेरे मना माने मन में भव मन समझ क्या कर मेरे मन में समझ। अच्छा सुप्रीम सोल को मन होता है, है? सुप्रीम सोल को तो मन नहीं होता है, फिर समझ आने की बात कहाँ पैदा होती है। जब वो प्रवेश करता है तो जिस तन में प्रवेश करता है उसको अपना मन मन रूपी घोड़ा होता है। तो उस मन रूपी घोड़े के जो श्रेष्ठ संकल्प हैं उन संकल्पों में तू भी समझ। माना तेरे संकल्प मात्र भी जिस तन में आता हूँ उस तन के संकल्पों से विपरीत नहीं होने चाहिए। संकल्पों तक समानता होनी चाहिए। वाचा और कर्मणा की तो बात ही बहुत बड़ी है। वाचा कर्मणा में तो विपरीत होने की बात होना ही नहीं चाहिए। संकल्पों तक भी समानता। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो और अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की बात है। क्या याद करो मुझे याद करो माने किसको याद करो दिव्य को। दिव्य विश्व का बात कहाँ बनेगी नहीं बनेगी। अगर सिर्फ दिव्य को याद किया तो हम भी क्या बन जाएंगे दिव्य बन जाएंगे तो कहाँ बैठना पड़ेगा तो परम धाम में बैठना पड़ेगा। तो ये नहीं कहा कि मुझे दिव्य रूप को याद करो। क्या कहा मना भव मेरे मन में समा जा। मना में जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसके मन रूपी जो स्वरूप संकल्पों विकल्पों का है विकल्प तो उसके चलते ही नहीं। किसके जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ चलने ही नहीं देता। कौन नहीं चलने देता जो लगाम को मन बुद्धि की लगाम को थामने वाला सुप्रीम सोल है वो उसके मन को विकल्प में नहीं जाने देता। तो ऐसे स्वरूप में तुम भी समा जाओ। इसको कहते हैं सेकंड में विश्व की बात है। जैसे को याद करेंगे वैसे ही खुद भी बनेगी। देह का बाप है ना तो जरूर देह की खुशी देह का नशा ही देंगे और देह का वर्षा देंगे। भारत में ही आकर के बच्चों को बाप देह का वर्षा देते हैं कहाँ आकर के भारत में आकर देते हैं। ऐसे नहीं आकर के ज्ञान सुनाते हैं और चले जाते हैं बाद में बरसा मिलता रहता है नहीं। भारत में आते हैं और आकर के बरसा दे करके जाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे। जिसको सुखधाम कहते बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों अभी क्या करो
अभी क्या बताया? मन मना भव माना, अभी दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। क्या दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो? किस आधार पर? बाप ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर इतनी पराकाष्ठा का ज्ञान मिला हुआ है कि बुद्धि से दुख धाम की बात निकल जानी चाहिए। यहाँ इस दुख धाम में बहुत दुख है तो इनको बुद्धि से निकाल दो। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो। नई दुनिया का मालिक बनना चाहते हो तो मुझे याद करो, माना जैसी मेरी स्थिति है वैसी तुम्हारी भी स्थिति हो जानी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। तुम सेकंड में सटो प्रधान बन जाएंगे। फिर से 5-4 वर्ष पहले भी सटो प्रधान बने थे और अब फिर से सटो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हम सटो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। कैसे? पुनर्जन्म लेते लेते निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते आते हम तमो प्रधान बने। शूटिंग पीरियड में कितनी बार आवृत्ति करते? कम से कम 4 बार। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। अब ये कब तक करते रहेंगे? तुम सतो प्रधान बन जाएंगे अभी तो तमो प्रधान। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, लौकिक माँ बाप सहज रीति याद आते रहते हैं। और इस पारलौकिक बाप को याद करने के लिए क्या क्या ताम झाम इकट्ठा करते हैं? टेप रिकॉर्डर बजाओ, लाल लाइट करो, संगठन की याद में बैठो। और लौकिक बाप को अकेले बैठे भी याद करते रहते हैं, कोई ताम झाम की दरकार नहीं। तो आर्टिफिशियल याद कौन सी है और सहज और ओरिजिनल याद कौन सी है? ओरिजिनल याद तक हमको पहुंचना है कि लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं। बैठे तुम बेहद के बच्चों को भी बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख में ले जाते। क्या सुख में ले जाने वाला और कोई मनुष्य मात्र गुरु नहीं है? यहाँ तो दुख दुख ही दुख है और वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं होगा। बहुत सहज बातें बताते हैं, कहते हैं अपने शांति राम को याद करो। जो बाप का घर है वो ही तुम्हारा घर है। और स्वर्ग नई दुनिया को याद करो, ये तुम्हारी राजधानी है,
बाप तुम बच्चों को कितनी निष्काम सेवा कराते हैं और करते भी हैं। तुम बच्चों को सुखी करके वो तो वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं। तुम भी तो परम धाम के वासी हो, उपधाम में तो बाद में आते हो, पहले कौन सी स्टेज में पहुंचते हो? शांति धाम में पहुंचना माना वाणी से परे की स्टेज में पहुंचते। अशांति मारा मारी कब होती है? जब बहुत वाणी में आते, एक ने बोला दूसरे ने उससे ज्यादा तीखा बोल दिया तो शांति धाम नहीं हो सकता। और यह शांति बढ़ती जाती है। वास्तव में तुम शांति धाम वासी हो, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। बाप आते ही हैं बच्चों को खिदमत करने के लिए, अर्थात वर्षा देने के लिए। ये गुदड़ी बात है, वर्षा लेते हैं। यह कौन सरकार शिव बाबा तो है ऊंच से ऊंच। क्या है ऊंचू भगवान? ये कुछ नहीं लेता है, कुछ शिव बाबा है ऊंच से ऊंच भगवान। शिव के मंदिर भी कहाँ होते हैं? शिव के मंदिर तो ऊंची स्टेज में होते हैं। मंदिर हमेशा शिव का गड्ढे में नहीं बनाया जाता, कहाँ बनाया जाता है? ऊंची स्टेज में बनाया जाता है। उनका कोई बाप व टीचर नहीं होता, इतना ऊंचा है कि उनको जन्म देने वाला कोई बाप नहीं, वर्षा देने वाला कोई बाप नहीं, और समझाने वाला उसका कोई टीचर, उसको कोई भी समझा नहीं सकता। सारी शक्ति के आत्मज्ञान का ज्ञान उनके पास है। आया कहाँ से? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चे मेहमा भी करते हैं, बरोबर बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है और पवित्रता का सागर है। ये महिमा और कोई की भी नहीं होती। कौन सी महिमा? जो ज्ञान का सागर हो, सुख का सागर हो और पवित्रता का सागर हो। विश्व के आज में का राज जो सुनाते हैं, उनकी बायोग्राफी आत्मचेतन ही अलग है। फिर ऊंच से ऊंच है जो विश्व के मालिक बनते। पहला नंबर ऊंच से ऊंच भगवान किसको बताया? सुप्रीम सोल शिव को। और फिर ऊंच से ऊंच जो है वो कौन है? जो विश्व के मालिक बनते। ये नहीं कहा बैकुंठ के मालिक बनते हैं,
या सतयुग के मालिक बनते हैं क्या कहा? विश्व जो विश्व के मालिक बनते हैं, विश्व किसे कहा जाएगा? विश्व कहा जाएगा जहाँ सब धर्म मौजूद हो, 500 करोड़ की दुनिया जहाँ पर मौजूद हो, तो ऊंच से ऊंच हुआ है, सेकंड नंबर में ऊंच से ऊंच, फर्स्ट नंबर में कौन? सुप्रीम सोल शिव, और सेकंड नंबर में ऊंच से ऊंच जो विश्व के मालिक बनते हैं, जिनको लक्ष्मी नारायण कहते हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुग के नीचे उतरती कला वाले नारायण लक्ष्मी नारायण नहीं, जो संगम युग में लगातार ऊंची स्टेज में चढ़ने वाले लक्ष्मी नारायण बनते, विश्व के मालिक बनते हैं। इनों की महिमा अलग है, इनों की जो संगम युग में सारे विश्व के मालिक बनते हैं, उन लक्ष्मी नारायण की महिमा और जो आगे आने वाले लक्ष्मी नारायण हैं उनकी महिमा से बिल्कुल अलग है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनकी महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, तो फर्क हो जाता है ना, इसमें किस में फर्क हो जाता है? पहले नारायण में जो नर से नारायण बनते हैं और जो सतयुग में नंबर वार नारायण बनेंगे उनमें फर्क हो जाता है, उनकी महिमा में फर्क हो जाता है। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क जरूर हो जाता है। इनों को ये दैवी गुणों की प्राप्ति हुई है बाप से, इनों को, इनों को कैसे किसकी तरफ इशारा किया? जो संगम भी लक्ष्मी नारायण है उनकी तरफ इशारा किया कि इनों को प्राप्ति किससे होती है? डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप से। और दूसरे जो लक्ष्मी नारायण नंबर वार सतयुग में बनते हैं उनको उनको डायरेक्ट सुप्रीम सोल की श्रीमत पर चलने की हिम्मत उनमें नहीं है। वो क्या करते हैं? वो कोई ना कोई मनुष्य गुरुओं की चकरी में फंस जाते हैं, एक कीमत पर नहीं चल पाते। तो इनों की ये दैवी गुणों की प्राप्ति हुई है बाप से। दैवी गुणों की प्राप्ति धारणा की बात हुई ना, ये धारणा इन्होंने किससे प्राप्त की? जो बातें धारण की हैं उनके आधार पर जो धारणा बनी वो बाप से डायरेक्ट इन्होंने प्राप्त की, और किसी मनुष्य मात्र के प्रभाव में ये आए ही नहीं। तो वो दैवी गुण धारण कर देवता बनने वाले पहले आसुर बने, आसुर कहलाते थे। आसुर से देवता बनाना ये तो बाप का ही काम है क्या? मामा ने से देवता नहीं बताया, आसुरों से देवता बनाना ये तो बाप का ही काम है। एम आप जैसे भी तुम्हारे सामने क्या है, है? हमको इस तरह का नर से डायरेक्ट नारायण बनना है, नारी से डायरेक्ट इसी जन्म में लक्ष्मी बनना है। ये एम आप जैसे तुम्हारे सामने है, जड़ चित्रों में है या चैतन्य चित्रों में है? जड़ चित्रों वाली अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या बनेंगे? जड़ बुद्धि बनेंगे। और चैतन्य चित्रों वाली अगर हम ऑब्जेक्ट सामने होगी तो हम भी चैतन्य चित्र बनेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है,
तुम जानती हो कि पहला पहला हमारा जन्म ये है था क्या, जो 84 जन्मों में सबसे ऊंचे ऊंचे जन्म है वो हमारा पहला जन्म था। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कैसे, जो हमने इतना श्रेष्ठ जन्म पाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में बाप को सेकंड लगता है। कोई कठिनाई कोई देर नहीं लगती। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आत्माओं को पार्ट तो बजा नहीं, ये पार्ट तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है, ये पार्ट कब विनाश नहीं हो सकता। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बारी तुम विश्व के मालिक बने हो, फिर हार खाते आए हो। जब बाप आते हैं तो हार खाना चाहिए या जीत पहनना चाहिए? जीत पहनना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बाप के आने पर भी हार खाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर पूरा पूरा नहीं चलते, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। बिना हाँ, कितनी बारी तुम किसी के मालिक बने हो और फिर हार खाए हो। तुम विश्व के मालिक थे, कितना सुखी थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। जमीन का टुकड़ टुकड़ भी नहीं। तुम कितना ऊंचे बनते हो फिर कितना नीचे गिरते हो। ऊंचे को तपो प्रधान और नीच को तमो प्रधान कहा जाता है। क्या कहा? जब तीन पैर पृथ्वी टुकड़ जमीन भी नहीं मिलती तो नीचे हुए या ऊंचे हुए? नीचे हुए। यादगार कौन सी है? वो ऊंच से ऊंच की यादगार भी बनी हुई है शहरों शहरों में। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना भव्य बनाया जाता है और दूसरे देवताओं के मंदिर नंबरवार बनाए जाते हैं। तो अभी तो देखो जमीन का टुकड़ टुकड़ भी तुम्हारे पास नहीं है। क्या कहें, पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले। तुम कितना ऊंचे बनते हो फिर कितना नीचे होते जाते हो। नीच को तमो प्रधान कहा जाता है, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान। तुम कल्प कल्प ऐसे बनते रहते, तो ये विचार करो, ये विचार करो। क्या विचार करो कि हम तमो प्रधान क्यों बनते रहे और सतो प्रधान कब बनते रहे? विचार करो। आत्मा तो कितनी छोटी है और उसमें छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी छोटी और परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी इतना ही छोटा है। कितना?
जितनी आत्मा छोटी है उतना सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा भी छोटा है। तेरे साथ अड़सठ की वाणी का दूसरा पेज, वो सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर है। क्या है? ज्ञान का सागर है और शांति का सागर है। इस शक्ति पर सागर से बड़ी कोई चीज होती नहीं। तो वो ज्ञान का भी सागर है और शांति का भी सागर है। तो तुम आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सागर के बच्चे सागर मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। तुम भी प्रेम का सागर सुख का सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम होता है, कब झगड़ा नहीं होता। अगर झगड़ा होता है तो इसका मतलब देवता राक्षस संप्रदाय है, अभी देवता नहीं बने। धनी आकर के आप समान बनाते हैं, और कोई ऐसा बनाए नहीं सकते। तुमने कितनी भक्ति की है, यज्ञ तप दान पुण्य जन्म जन्मांतर किए हैं। उन दान तप यज्ञ उनका नतीजा क्या हुआ तुम जानते हो? सीधे नीचे गिरते आए हो, रावण राज्य के कारण पतित बनते आए हो, तो क्या करो? रावण राज्य माना दस सिरों के राज्य से तुम पसार होते आए हो तो नीचे गिरते आए हो। दस सिर में अकल कितनी तरह की होगी? दस प्रकार की अकल होगी। तो अभी करना क्या है जो बार बार भूल जाते? एक ही मत पर क्या माया रावण बीच में घुस जाता है, हमारी भी कहते सुनो। क्या कहता है? हमारी भी कहते सुनो। बाबा मुरली में क्या कहते? बाबा कहते अगर एक के अलावा किसी दूसरे से सुना तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो रावण व्यभिचार फैलाता है और बाप अब व्यभिचारी बनाते। तो रावण राज्य के कारण तुम पतित बनते आए, तो फिर किसके राज्य में रहना चाहिए? राम के राज्य में रहना चाहिए। लेकिन राम का राज्य अभी हुआ है, है? नहीं हुआ है। फिर हो रहा है, हो रहा है। शुरुआत कहाँ से होगी? घर से शुरुआत होगी। पहले तो घर होता है, घर में कौन होता है? माता पिता और बच्चे होते हैं। तो पति से बनते आए हो रावण राज्य, अभी तुमको स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? कि हम रावण के राज्य में होते हैं तो पति तो होते आते और एक राम के राज्य में होते हैं तो पावन बनते। माना एक की मत से सदगति और अनेकों की मत से दुर्गति। अभी तुमको स्मृति आ गई है। अच्छा, बहुत बड़ी बात हो गई। क्या स्मृति आ गई? कि हम एक की मत पर चलेंगे, दूसरे कोई की मत पर नहीं चलेंगे। हम पावन पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित पुजारी बने।
बता दिया। पति तो पुजारी क्यों बने? पुनर्जन्म लेते हैं। तो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में आना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं। लेकिन फिर भी आते हैं, क्यों? ड्रामा, माने डराई दिया। ड्रामा किसने डराया? माया, माँ ने डराया। अरे माँ कहीं डराती है? हैं? ड्रामा, शूटिंग का चक्कर। अच्छा शूटिंग का चक्कर खत्म कर दो, उसका चक्का जाम कर दो। भगवान के लिए कहना कि आते ही पूज्य हो, आते ही पुजारी हो, क्या भगवान ही पूज्य बनता है और भगवान ही पूजा करने वाला पुजारी बनता है? ये तो उनकी ज्ञानी है, ये उनकी महिमा नहीं है। माना भगवान कभी भी पूज्य और पुजारी नहीं बनता, क्या न वो पूज्य बनता है और न वो पुजारी बनता। माने किसी की पूजा नहीं करता, कौन? भगवान। भगवान पुजारी नहीं बनता है? अरे भगवती की तो पूजा करता होगा। नहीं करता, क्यों? पति की नहीं बनता तो पूजा क्यों करेगा? बोला तो है माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। है सत्यनारायण की कथा में क्या गायने? क्या गायने? हाँ अच्छा अच्छा, सत्यनारायण की जो कथा होती है उसमें सत्यनारायण का महिमा दिखाई गई है, लेकिन सत्य लक्ष्मी को कथा के रूप में नहीं दिखाया गया। तो सत्य सिर्फ एक होता है और बाकी दुनिया में सब नंबरवार झूठ है। जो झूठ होंगे वो क्या बनाएंगे? झूठा ही बनाएंगे। और जो सच्चा होगा 100% वो सच्चा बनेंगे। अगर एक बूंद भी असत्य है तो क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो भगवान की ग्लानी करते हैं कि परमात्मा पूज्य बनता है, परमात्मा पुजारी बनता है। भगवान कैसे पुजारी बनेंगे? क्या उनको नित्य अनित्य का चक्र आता है क्या? नहीं, नहीं। ना? उनको तो नित्य अनित्य का चक्र आता ही नहीं। आता किसको है? जो नंबर वार आत्माएं हैं उनको जन्म मरण का चक्र आता है, अप एंड डाउन में आते हैं, लेकिन वो कभी जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। तो पुजारी बनेगा क्यों? बाप आकर के समझ देते, क्या समझ देते कि उसने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े। कितने कितने तो पढ़े हैं, लेकिन उसने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं। उसने कह के किस तरह इशारा दिया? जिस तन में फाइनल प्रवेश करके सुख धाम शांति की धाम की स्थापना करते हैं उसके लिए इशारा दिया। उसने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े, क्यों? प्रजापिता ने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े, लौकिक जीवन पढ़े हैं, पढ़े तो हैं, लेकिन जो शास्त्र आदि पढ़े उनसे इस ज्ञान का कोई कनेक्शन बनता नहीं है। उतना कैसे बनता है? ये तो ईश्वरी ज्ञान ही निराला है। जो बात आकर समझ लेते हैं वो शास्त्रों से समझ नहीं मिल सकती। तो उसने कोई शास्त्र आदि पढ़ी है क्या? कुछ भी नहीं।
ही ड्रामा में पार्ट है। वो सुप्रीम सोल अनायास प्रवेश करता है और पार्ट बजाता है। ये ज्ञान का सागर है, सारी आदिमत्यंत को जानता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और खेल कहाँ होता है? इसी स्थूल वतन में खेल होता है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म का पार्ट बजाने आते हैं। कौन कौन से वंशी? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, फिर इस्लामी, बौद्ध। नंबर वार तुम समझ गए हो कौन कौन है इस मानवे में, व नाटक या नाटकशाला में कौन कौन आते हैं। लेकिन 84 जन्म तुम लेते हो क्या? सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्कर में भी तुम आते हो। तो ज्यादा जन्म मरण के चक्कर में जो आता है उसको घाटा होना चाहिए, या कम निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता हो उसको घाटा होना चाहिए? माना ज्यादा अनुभवी बन जाता है, ज्यादा अप एंड डाउन में आएगा तो आत्मा जास्ती अनुभवी बनती है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम आत्माएं आई हो तो बाप से तुम अलग हुए हो, भल हुआ गाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कौन सी आत्माएं हैं जो बहुत समय अलग रही है बताओ? वो कौन सी आत्माएं हैं जो परमात्मा बाप से बहुत समय अलग रही? कहाँ की बात है? यज्ञ के आदि की बात है। यज्ञ के आदि में ढेर आए और छोड़ करके चले गए बहुत साल के बाद। जब सती की शूटिंग पूरी होती है तो धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। तो सती की शूटिंग के बाद त्रेता युग की शूटिंग में भी आते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, द्वापर युग की शूटिंग में भी आते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, फिर कलयुग की शूटिंग में भी थोड़े थोड़े वो बीच उपासनाएं आती रहती है। तो सबसे जाती तुम भी छोड़े हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पार्ट बजाने तुम आए थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठा होता है उसे तुम कहा जाता है। मैं तो सिर्फ थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ, इनमें राम और कृष्ण की आत्माओं में मैं थोड़े समय के लिए प्रवेश करता हूँ। और यह तो पुरानी जूती है, कौन सी? ये ब्रह्मा का तन तो पुरानी जूती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, अभी फिर नहीं लेते हैं। पुरानी जूती किसको बता दिया? दादा लिख रहा है ब्रह्मा के तन को बता दिया पुरानी जूती, ये है पुरानी जूती। अच्छा मिसाल क्या दिया? पुरुष कि एक स्त्री मर जाती है
तो कहते हैं पुरानी जूती गई, स्त्री को क्या बना दिया, जूती बना दिया। कहाँ, कौन से देश में बनाया जाता है पुरानी जूती? भारतवासी जो है वो स्त्री को जूती कहने लग पड़ते। क्यों स्त्री को जूती क्यों बना दिया? पुरुष का जो बुद्ध रूपी पांव है उसको उसका योग देने के लिए स्त्री बनाई जाती है। स्त्री किस लिए बनाई जाती? ऐसा सहयोग करे जो उसके जीवन में क्या आए, सुख शांति आए। तो पांव में जूती किस लिए पहनी जाती है? पांव में जूती इसलिए पहनी जाती है कि कोई ठोकर न लगे, ठोकर का असर ना हो, कांटा ना लगे, पत्थर से ना टकराए। हैं? तो स्त्री को भारत में जूती कह दिया। कहते हैं पुरानी जूती गई, अभी फिर नहीं लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना, कौन सा ज्यादा लेखराज का जो तन है, जो सन 68 में जीवित था जिस समय ये वाणी चलाई जा रही थी, उसके लिए कहा ये भी पुराना तन है ना, माना पुरानी जूती हुई। 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। क्या 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है? तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। इसने 84 जन्मों का चक्र लगाया, तब तुम जो ये जूती है तो तुम भी हो, तब जो ये है वही तुम हो। तो मैं आकर के इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो मैं कभी आता ही नहीं। क्या पतित पुरानी दुनिया में आता हूँ और पतितों को पावन बनाता हूँ, पुरानी दुनिया में आता हूँ, पुराने सन में आता हूँ, न नई दुनिया में आता हूँ और नई दुनिया के नए तन में कभी भी प्रवेश नहीं करता। तुम पति से ही मुझे बुलाते हो, क्यों नहीं प्रवेश करता हूँ पावन तन में, पावन दुनिया में क्यों नहीं आता हूँ? क्योंकि पावन दुनिया में जो देवताएं होते हैं पवित्र, वो कभी बुलाते नहीं। बुलाते कौन है? हे पतित पावन सीताराम आओ। इसलिए बारे में क्या बोला, जो पतित के पावन बनते हैं वो पतित पावन बाप को बुलाते भी, और जो पतित से पावन बनते नहीं वो कभी पतित पावन कहकर बुलाते। तुम पतित ही मुझे बुलाते हो, ये आकर के पावन बनाओ। क्या हम अपने आप पावन नहीं बन पाएंगे पुरुषार्थ करके? क्या करो, हमारे पास आ जाओ और आकर के फिर हमको पति से पावन बनाओ। बुलाते बुलाते आखिरी तुम्हारी याद फलीभूत तो होगी ना कि नहीं होगी? फलीभूत तो होगी। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ऐसे नहीं पुरानी दुनिया शुरू हो जाए बनना तो मैं द्वापर युग से ही आ जाऊँ। कब आता हूँ? कलयुग जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, पहले पहले क्या करता हूँ? तीन मूर्तियों में से पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ।
ब्रह्मा द्वारा अर्थात तुम ब्राह्मण द्वारा, ब्रह्मा होगा तो ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मणों की चोटी कही जाती है ना, पहले पहले चोटी ब्राह्मण चोटी, फिर ब्राह्मण चोटी क्या बनती है, ब्राह्मण सो ब्राह्मण सो फिर देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तुम बायजोली खेलते हो। तो 84 जन्मों का राज कितना सहज करके समझाते हैं, वो लोग तो त्रिमूर्ति बनाते हैं, कौन लोग, वो लोग तो त्रिमूर्ति बनाते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्या कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अच्छा, तो वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, उस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का ओरिजिनल चित्र भी रख देते हैं और क्या कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा साई की स्थापना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना का है कि ब्राह्मण धर्म की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना नहीं है, नहीं वो तो नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, क्या समझाते हैं त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति की स्थापना। तो अगर ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति की स्थापना करते हैं तो फिर समझाना भी तो पड़े कि क्या आर्थक में ब्रह्मा द्वारा जब उन्होंने शरीर छोड़ा 69 मई 18 जनवरी को, तो क्या नई दुनिया की स्थापना हो गई, वो कहेंगे चलो माम साबू हम तुम्हें नई दुनिया दिखा जैसे भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं, भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं, चलो ऋषि के हरी के पास कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु किसकी ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना, ब्राह्मण नई दुनिया की तो स्थापना नहीं हुई, सिर्फ सिर्फ नंबर वार को सार संसार ब्राह्मणों को तैयार किया, ये तो मानना पड़ेगा, क्या ब्राह्मणों की स्थापना हुई, लेकिन ब्राह्मणों
पग पे मिलता है प्रभु का सहारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजाए, आंचल में सजाए, मन के सरोवर में तू कमल खिलाए, कमल खिलाए। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। से निकाले